गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ पे इसलिए अपबीट है क्योंकि कल ग्लोबल मार्केट्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात, क्रूड करीबन 6-7% गिरा है। ऑब्वियसली चाइना का लॉकडाउन के न्यूज के फ्रंट पे हमको लग रहा है कि ये अभी डाउनटर्न आपको कमोडिटीज में भी देखने को मिलेगा, और ये डेफिनेटली इंडियन इक्विटीज के लिए काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अनुमान है कि अगर खर्चे कंपनीज के कम होते हैं, स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस से, तो डेफिनेटली इसमें राहत सारी कंपनीज को मिलेगी। बट सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रशिया यूक्रेन के वॉर का है। अगर ये वॉर आने वाले एक या दो हफ्ते में खत्म होती है, तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। और ये जो अपसाइड हमने देखा है एक्सपायरी के पहले, ये बात का क्लियर संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडरेशन एक्टिविटी मिलिट्री एक्टिविटी में कम हो गई है। तो इसका डेफिनेटली फायदा इंडियन इक्विटी मार्केट्स को मिलेगा। मेरे ख्याल से निवेशकों को इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि इंडेक्स नियर टर्म में 17,500 17,600 भी जा सकता है, उसमें थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन अच्छी कंपनीज अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है तो आपको जरूर ऐसे मौके गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाइए और इंडेक्स को ज्यादा मत देखिए। इंडेक्स अपना काम करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी से ही पैसा बनेगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि हुडको एक सरकारी कंपनी है जो हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, और ज्यादातर जो मार्डा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं एमआरडीए के, वहां पे ज्यादा इनका फोकस होता है। मेरे ख्याल से देखिए, शेयर तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन अगर ग्रोथ मोमेंटम की बात करें अभिषेक, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से मुकाबले में काफी कम है। तो मेरा तो नजरिया ऐसा है कि अगर इनका बहुत ही लंबा व्यू है, कम से कम 1.5-2 साल का, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जैसे कि कैनपिन होम्स है, उसके बाद एप्टस हाउसिंग है, ये काफी अच्छे विकल्प है जहाँ पे इनको रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये एटलीस्ट कम से कम साल भर में अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो एप्टस हाउसिंग फाइनेंस और जो कैनफिन होम्स है, यहाँ पे फोकस करिए। मुझे लग रहा है ये दोनों विकल्प हुडको से काफी बेहतरीन है, यहाँ पे पैसा अच्छा बनेगा, तो स्विच करने की राय रहेगी, और यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इज मच बेटर देन हुडको। देखिए, मुझे लग रहा है दोनों शेयर्स में इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जिंदाल पॉली की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की अपसाइड अभी पॉलिएस्टर फिल्म्स में हम देख रहे हैं, सारे जो कंपेरेबल कंपनीज है जैसे कि गरवारे हाईटेक है, उसके बाद पॉलीप्लेक्स है, ये वही कैटेगरी में काम करते हैं, और यहाँ पे मार्जिन काफी इंप्रूव हो चुके हैं। हालांकि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है क्रूड का, वो काफी बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए, यहाँ पे डेफिनेटली हमको लग रहा है कि होपफुली आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा। क्लियरली आई थिंक जो नंबर्स इन्होंने थर्ड क्वार्टर में प्रेजेंट किए थे, इसका अनुमान से हमको लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। रही बात जिंदाल फोटो की, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए, इसमें ज्यादा एटलीस्ट करंट प्राइस पे कोई बड़ी अपसाइड लगती नहीं है। इस काउंटर में जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी ना करे, क्योंकि हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले कम से कम 3 से 6 महीने में थोड़ी सी मॉडरेटली कम रहेगी, अगर हम जिंदाल पॉलिएस्टर को कंपेयर करें। तो मेरे ख्याल से अगर ये चाहते हैं तो जिंदाल फोटो से निकल जाए, दूसरा कोई अच्छा विकल्प यहाँ पे इन्वेस्ट करे। मेरे ख्याल से बैंकिंग, कैपिटल गुड्स ऐसे सेक्टर्स है जो अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो वहां पे कोई फ्रंटलाइन कंपनी हो तो वहां पे निवेश करिए, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। इसकी मुझे लग रहा है देखिए, फंडामेंटली अगर हम बात करें तो स्पाइसजेट में हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले साल में भी ये कंपनी मुनाफा कमाएगी। और आपने सही कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी भी रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, इनफैक्ट अनलॉकिंग अभी शुरू हो रहा है, तो होपफुली अनलॉकिंग शुरू होने के बाद अगर क्रूड के प्राइसेस काफी घटते हैं तो इनके लॉसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इनका नजरिया अगर 1.5 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि एविएशन सेक्टर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी है, बट शॉर्ट टर्म में काफी वॉलिटिलिटी रहेगी। तो इनका मैं यही कहूंगा कि अगर ये 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो ही होल्ड करिए। मेरे ख्याल से इफ एवरीथिंग गोज वेल करीबन 70-75 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, बट इनके लिए कम से कम टाइम फ्रेम शुड बी एटलीस्ट 12-15 मंथ्स। अभिषेक, बिल्कुल डेफिनेटली प्री रेटिंग पॉसिबल है, क्योंकि जो सिटी बैंक के रिटेल एसेट्स है वो डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव है, स्पेशली एक्सिस बैंक को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल होता है, और दूसरी बात
काफी समय से ये डील चल रहा है, तो मेरे ख्याल से डील वैल्यू कितनी होती है वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली अगर हम आने वाले एक दो साल की बात करें तो इस बिजनेस को काफी दूसरी कंपनीज भी वॉच कर रहे थे, तो ये इनके किटी में अगर आता है तो नॉट ओनली अर्निंग्स बढ़ेगी बट इवन इनकी यील्ड्स इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार डील होती है, मैनेजमेंट कमेंट्री आती है, तो हमको एक अंदाजा आएगा कि कितना इंक्रीमेंटल अर्निंग्स यू नो इस डिवीजन से आएगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि डील के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले, लेकिन कम से कम FY23 में इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में जरूर देखने को मिले। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए हॉस्पिटल स्पेस में मैक्स हेल्थ केयर काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, और आपने सही कहा कि इन स्टॉक ऊपरी लेवल को जाके थोड़ा सा यू नो डाउन साइड दिखा चुका है, लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इन्वेस्टर की लंबी अवधि की यू नो पोजीशन है तो इसमें डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ी बहुत यू नो डाउन साइड जरूर आई है, लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने अभी तक दिखाए हैं, आने वाला साल दैट इज FY23 हॉस्पिटल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि कोविड अभी कम हो चुका है, लेकिन स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है जो मैक्स हेल्थ केयर करती है वहां पे डेफिनेटली ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस और इंतजार करें, डेफिनेटली इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 12 months रख। देखिए मुझे लग रहा है कि जस्ट डायल अभी एक रिलायंस ग्रुप कंपनी बनी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इनके लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट यू नो ग्रुप सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अभी जस्ट डायल का जो बिजनेस मॉडल है वो बदल रहा है, वो बेसिकली एक B2B यू नो प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं जैसे कि इंडिया मार्ट करता है, और हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में यहाँ पे एग्रेसिवली जस्ट डायल इसको पोजिशन करेगा, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रांग है। इंडिया मार्ट करेंटली 65-70% मार्केट शेयर कमांड करता है, इनका प्लेटफॉर्म नया है, तो अगर इनका नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि ये जो बिजनेस है इसमें बहुत अच्छी यू नो ग्रोथ जस्ट डायल को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, हालांकि शेयर थोड़ा सा गिर जरूर चुका है, लेकिन अगर टाइम फ्रेम इनके पास है, थोड़ा सा समय ये बिता सकते हैं, तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस बट अच्छा मुनाफा भी ये कमा सकती है। तो आई वुड सजेस्ट हर टू होल्ड ऑन, यहाँ पे पैनिक में स्टॉक मत बेच। देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि टाटा मोटर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बहुत एग्रेसिव अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया है। इनफैक्ट टोटल इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां जो बेची है वो टाटा मोटर्स ने बेची है, और इन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है, काफी पी फंड्स ने इनके इलेक्ट्रिक बिजनेस में निवेश भी किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स का, पैसेंजर कार्स का, ये तो चलता रहेगा, बट आगे का कम से कम आगे के 2-3 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ग्रोथ नंबर्स आएंगे वो टाटा मोटर्स को बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ प्रोपेल करेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स के कारण या क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण फोर्थ क्वार्टर जो अभी आएगा वो इतना खास नहीं आएगा, और कंपनी ने भी कहा है कि थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर हो सकता है, बट अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स एक ऐसा प्लेयर है जो ऑटो सेक्टर में आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे काफी ग्रोथ यू नो पैरामीटर्स है, और मुझे लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में है उसका पूरी तरह से शेयर के प्राइस पे यू नो अभी भी अपसाइड रिफ्लेक्ट नहीं हो चुका है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखे, यही मेरी तरफ से राय रहेगी। 2 सेक्टर्स है जहाँ पे अभी वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं और हेडविंड्स काफी चैलेंजिंग है, एक तो FMCG सेक्टर है, दूसरा पेंट है, और मैं समझता हूँ इवन टायर सेक्टर के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात अभी भी क्रूड रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर्स अभी भी है, और ये सारी कंपनीज ने क्लियरली कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा आने वाले 4th quarter में, और सबसे बड़ी बात प्राइसिंग यू नो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो काफी हद तक ये जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है ये इनके मार्जिन्स को इफेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस बाजार में अगर आप देखेंगे कि FMCG टायर कंपनीज यू नो ये सारी कंपनीज में उछाल देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हल्का होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स में रिकवरी के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा और प्राइसिंग जो पावर है ये कंपनीज में थोड़ी सी अभी कम लग रही है। तो आई वुड सजेस्ट दैट कीप अवे फ्रॉम FMCG एज वेल एज टायर्स एज वेल एज पेंट सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स में आपको शायद अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आने वाले 4th quarter में देखने को मिलेगी। अभिषेक, डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की राय रहेगी, हालांकि यू नो 3rd quarter इनके लिए काफी खराब था, लेकिन होपफुली माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में अभी रिकवरी आ रही है, एसेट क्वालिटी भी अभी ठीक ठाक हो रही है,
और इस बैंक ने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग अपने बैलेंस शीट पे की थी, तो हमको लग रहा है कि जैसे कोविड खत्म होता है तो कोविड की प्रोविजनिंग इनको जरूरत नहीं लगेगी और इनके जो यू नो जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो रेशियोज है वो आने वाले प्री कोविड टाइम से डेफिनेटली आएंगे। सबसे बड़ी बात, इन्होंने GIC हाउसिंग को यू नो एक्वायर किया था हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में एंट्री करने के लिए, तो ये भी बिजनेस हमको लग रहा है कि आने वाले एक दो साल में अच्छी तरह से स्केल अप होगा, तो डेफिनेटली होल्ड करिए। हालांकि ये स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, हमारे ख्याल से इस लेवल से डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, लेकिन नजरिया 12 से 18 महीने रखें। देखिए अभिषेक, क्लियरली टाटा कॉफी तो पहले ही टाटा कंज्यूमर की सब्सिडरी थी, तो जब भी कोई एनालिस्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर देखता था तो उसमें ऑब्वियसली टाटा कॉफी के नंबर्स ऐड करके ही उसमें व्यू दिया जाता था। अभी ऑफिशियली टाटा कॉफी का जो कॉफी का जो रेंज है वो टाटा कंज्यूमर में मर्ज होगा और जो प्लांटेशन बिजनेस है उसको सेपरेटली लिस्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से टाटा कॉफी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है कि इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो टाटा कंज्यूमर की सब्सिडरी थी, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जरूर होगा। इनफैक्ट फॉर एवरी 10 शेयर उनको 3 शेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मिलने वाले, बट जो प्लांटेशन बिजनेस है उसकी लिस्टिंग के लिए उनको इंक्रीमेंटल अपसाइड मिलेगा, और मेरे ख्याल से ऐसी काफी कम कंपनीज इंडिया में है जो प्योर प्लांटेशन कंपनीज है, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि एक स्केर्सिटी प्रीमियम यू नो टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफी के जो प्लांटेशन की कंपनी है उसको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नेट नेट डेफिनेटली अच्छी बात है। रही बात टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो यू नो जिस प्रकार का इन्होंने एक्विजिशन टाटा केमिकल्स का किया था, वैसे ही टाटा कॉफी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी वेल नोन है, एक्सपोर्ट मार्केट में भी बिकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में भी बिकते हैं, और रॉक कॉफी तो वैसे भी स्टारबक्स में यू नो टाटा कॉफी यूज करता है, सप्लाई करता ही है, तो ये डेफिनेटली आगे चल के टाटा कंज्यूमर के लिए काफी फायदेमंद रहे। तो नेट नेट पॉजिटिव है, बट इसका पूरा इम्पैक्ट यू नो स्टॉक्स पे प्ले आउट होने के लिए शायद आपको थोड़ा सा समय वेट करना पड़े, क्योंकि पूरा एमलगमेशन और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो टाइम प्रोसेस है वो कम से कम 3 से 6 महीना लगना काफी स्वाभाविक है। देखिए अभिषेक, पहली बात तो इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो प्योरली एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस्ड है, और ये डेफिनेटली काफी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स FIIs काफी समय से वेट कर रहे थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। रही बात प्राइसिंग पावर की, तो प्राइसिंग पावर से ज्यादा इनका जो नेटवर्क है एयरपोर्ट्स का ऑल ओवर इंडिया, इसमें डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो अभी भी कंपनी का जो कर्जा है वो काफी सिग्निफिकेंट है, अभी भी कंपनी मुनाफा बना नहीं रही है, तो अगर इनको पैसा इस स्टॉक में बनाना है तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखें, क्योंकि इन द नियर टर्म मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नेगेटिव है, बट ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है, नॉर्मल सी आती है, अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी है, तो हमारा मानना है कि अगले 2-3 साल में एविएशन सेक्टर जैसे ग्रो करेगा उसका फायदा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा और यहाँ पे GMR इंफ्रा को काफी फायदा होगा, बट टाइम फ्रेम कम से कम 2-3 साल रखिए, उसी के बाद आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में मिल सकता है। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स अभी एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नया प्रमोटर कोबुटा ये ग्लोबली काफी वेल रिकग्नाइज्ड है, अपार्ट फ्रॉम ट्रैक्टर्स एग्री इम्प्लीमेंट्स जो ये कंपनी बनाती है यहाँ पे भी काफी बड़ा स्कोप है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एस्कॉर्ट्स को अभी नए मैनेजमेंट के रूप में देखना है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया देना है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी भाग चुका है और अभी इस लेवल पे अगर किसी ने निवेश किया है तो मुझे लग रहा है कि इनको ये सोचना चाहिए कि FY 23-24 में नंबर्स कैसे आएंगे। ट्रैक्टर मार्केट इंडिया में तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज यू नो आगे आने वाले दिनों में कंपनी के लिए काफी ओपन अप होगी, जो पहले शायद इतनी बड़ी नहीं थी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट ओनली मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, बट इवन एक्सपोर्ट मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि नियर टर्म में अपसाइड थोड़ी लिमिटेड है, बट लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली पॉजिटिव।